टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट फैंस के अलावा देश के हर वर्ग के लोग ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फैंस और देशवासियों को ट्रॉफी देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा। दरअसल टीम इंडिया एक चक्रवाती तूफान हेरिकेन बेरिल की वजह से बारबाडोस में फंस गई है। मिली जानकारी के अनुसार तूफान की वजह से बारबाडोस का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। तूफान की वजह से कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है। वही टीम इंडिया को आज भारत आने के लिए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हो गया है। तय शेड्यूल के मुताबिक टीम इंडिया को यहां से न्यूयॉर्क जाना था, फिर दुबई होते हुए भारत पहुंचना था, लेकिन अब यहां से सीधे दिल्ली के लिए चार्टर फ्लाइट लेने की योजना बनाई जा रही है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के सदस्यों को मिलाकर कुल 70 लोगों को वहां से वापसी करनी है, जिसको लेकर अब BCCI अमेरिका से चार्टर प्लेन की व्यवस्था करा रहा है ताकि टीम वहां से रवाना हो सके। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि टीम इंडिया दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकती है। आपको बता दें कि हेरिकेन बेरिल तूफान काफी खतरनाक माना जा रहा है। हेरिकेन तूफान में हवा की रफ्तार 170 से 200 किलोमीटर की होने की उम्मीद जताई गई है। यह अब कैटेगरी 4 में आ चुका है। इसके आगे क्या स्थिति होगी इस पर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और रिपोर्ट खुलते ही टीम इंडिया रवाना हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।